दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गोवा और मेरे साथ हैं सैयद फिरोज सर। और आज हम आपको एक कमाल की चीज दिखाएंगे, हमारा जो नया लैब है। थोड़ा सा आइए, ये हमारा आईफोन का लैब है। फिरोज सर दिखाइए यहाँ पर, न्यू लैब हमारा आईफोन का। ये हमारी आईफोन की लैब है और यहाँ पर आप एशिया टेलीकॉम एंटर कर चुका है आईफोन की टीचिंग में। और यहाँ पर हम आपको देंगे सबसे बेस्ट यहाँ पर इंडिया में, और जो हमारे फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी होगा और जो हमारे उन्हीं भाइयों के लिए होगा जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी आईसी यूट्यूब या ऑडियो या टच आईसी निकाल रहे हैं, जो माइक्रो जंपिंग कर रहे हैं, पर सीपीयू में जिनका हाथ तंग है, जो सीपीयू में डर रहे हैं, जो सीपीयू निकालने के बाद भी उसको हीटिंग कर दे रहे हैं, फोन को डेड कर दे रहे हैं, या जिनको स्वैपिंग नहीं आती है। स्वैपिंग यहाँ पे 5 out of 3 गारंटी देता है इसे टेलीकॉम, क्योंकि वैसे ही हमारा बहुत नाम है, हमारे फीडबैक बहुत अच्छे हैं और हम अपना हमेशा अच्छा ही रिव्यू देते आए हैं और रिव्यू के साथ हम प्रैक्टिकल देते हैं। सो हमारा जो पहला बैच बनेगा हम उसका भी आपको पहला प्रैक्टिकल लेंगे। हम स्टूडेंट से पूछेंगे नहीं कि आपने क्या किया, हम उससे करवाएंगे। सो यहाँ पर हमारे 15 दिन का बैच बनेगा और यहाँ पर हम जो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए हमने 3 कोर्स रखे हुए हैं, तो सारे कोर्स की जानकारी आपको दूंगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ हमारे जो एप्पल के ट्रेनर है सैयद सर। मुंबई से सैयद सर, आप कितने साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? मैं तो 15 साल से एक्सपीरियंस हूँ। 15 साल से सैयद सर इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सर ये आईफोन कितने साल से है? 6 से 7 साल हो गया आईफोन। और 15 साल से मतलब आप कौन से शुरू से मोबाइल से आप काम करते आ रहे हैं? तो 1100, 6300। उसमें कैसे काम आते थे जो आप करते थे? उसमें तो बहुत से काम आते थे, जैसे कि उसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सैयद सर जो काम करते हैं वो डीलर लोगों का काम करते हैं। मतलब जो लोग या तो लाइट आईसी को उल्टा लगा के डेड कर दिया, जिसमें 1.8 HD रैम की लाइन जब हो जाती है तो उसमें रैम निकाल के हमको उसको रिप्लेस करना होता है, या जो फॉल्ट फाइंडिंग होती है आईफोन एक्स की। आपने एक फोन बनाया था, आपने अभी एक आपके पास स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट जरा दिखाएंगे सर अपने फोन में, एक बार पास लाइए। आपने कल ही का आपका काम ये देखिए थोड़ा सा देखिए दोस्तों, अभी हम आपको अपने सैयद सर के बहुत सारे पोस्ट हम आपको शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर बताइए सर, आपने क्या किया था, क्या आया था इसमें? इसके अंदर एक डीलर ने स्क्रू होल कर दिया था, उसकी वजह से ये फोन में कैमरा और फेस आईडी नहीं चल रही थी। इसके दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं, इसका एक ही सोल्यूशन है जिसमें आपको स्वाइप करना होगा, और इसमें हमने स्वाइप किया। तो सर इसमें हमने लोअर बोर्ड स्विच किया कि कौन सा बोर्ड? अपर बोर्ड, जिसमें सीपीयू हार्ड डिस्क और I2C ईप्रोम लगी हुई रहती है, तो हमने उसको स्वैप किया। हाँ। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर सर आपको स्वैपिंग करना सिखाएंगे, फॉल्ट फाइंडिंग सिखाएंगे, जिसमें मैं भी आपके साथ क्लास में रहूंगा। बेसिक के साथ में एडवांस हम आपको देने वाले हैं और ये आपको गजब एक्सपीरियंस होने वाला है। सबसे अच्छी बात कि हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है वो इंडिया में सबसे कम है, जो कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, उनके पास आज की डेट में बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं, वो 50-70-70-80 हजार रुपए वो कहां से ला नहीं पाते हैं, और वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से फिर वो डीलर लोग का फोन लेते हैं, मतलब जो कस्टमरों से फोन लेते हैं और वो फिर खराब कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में बड़े पैसे नहीं होते। तो इसलिए हमने एक छोटी फीस स्ट्रक्चर रखी है। तो एक बार ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डेमो क्लासेस लीजिए हमारे फ्री में, आपको कुछ नहीं देना है। एक दिन के डेमो क्लास में अगर आप नहीं रुके तो आप मेरा नाम चेंज कर देना देवेंद्र अग्रवाल, या तो आप चेंज कर देना एशिया टेलीकॉम का नाम। और हमारे 15 दिन में हम आपको जो बेस्ट देने वाले हैं वो आप बस एक्सपीरियंस करना है। और हमारा जो बैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये होने वाला 15 फरवरी से। हमारे नीचे नंबर है, आप अगर इसको देखना, अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए। मैं आपसे बोला, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े भी हैं और आप आईफोन का काम सीख भी चुके हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए, एक बार मौका दीजिए। हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है और आपको हम बेस्ट देंगे, लाइव बोर्ड में देंगे, बोर्ड का भी पैसा हम आपसे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आपको लाइव बोर्ड में काम कराया जाएगा आपसे, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द आएगा, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पे सही सर, आप क्या दिखाने वाले हैं आज, आप क्या बताने वाले हैं? आज दिखाने वाले एरर 9, जो आईट्यून्स पे एरर 9 आ जाता है, और आईट्यून्स पे एरर 9 आते हैं और 3 O2 पे 20 भी जाता है ना, इसमें हार्ड डिस्क का फोल्ड नहीं इसमें है। तो ये ज्यादातर जो लोग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर किस पे काम कर देते हैं? ज्यादा करके हार्ड डिस्क पे काम कर लेते हैं एरर 9 की वजह से, पर वो हार्ड डिस्क का फोल्ड नहीं होता है, वो एक हार्डवेयर का फोल्ड होता है, हार्डवेयर का फोल्ड होता है जिसमें आईट्यून्स 9 में मिसिंग होती है, उसको चेक करना है सबसे पहले। तो आपको ZXW और वूजिंग आपको पूरा हम आपको सारा चेक कराएंगे, हाई एंड लैब हमने यहाँ पे बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम आपको सारे स्टूडेंट को हम ये वाली मशीन नहीं देंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सिर्फ टेम्पररी हमने लगाई है। हम अपने सारे स्टूडेंट को हाई एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे 867DW, और इस पर भी बहुत एक बेसिक रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं। तो और इसके साथ अभी हमारे सैयद सर के बहुत सारे वीडियो हम आपको लाएंगे, जिसमें हम आपको
मिनिमम मिनट में आपको स्वैपिंग हम आप सैयद सर आपको बताएंगे, और भी कुछ ऐसे सोल्यूशन है जो हार्ड कोर सोल्यूशन है, बट आपका काम यह है कि अपनी हैंड स्किल को बढ़ाएं, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो स्कीमेटिक आप नॉलेज बढ़ाएं, और कहां वोल्ट जाते हैं, क्या जीआर होता है, सारी चीज आपको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहां बैठे हैं। तो एक बार इसे टेलीकॉम जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने आईट्यून यहाँ पर हमने 3U टूल कनेक्ट किया हुआ आप देखिए ऊपर टीवी में। सो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जरा सही सर क्या है ये? हाँ ये एरर लाइन है जो 20 पे जाके नोट डेटा पे अटक गया है, जो हार्ड डिस्क करने के बावजूद भी इस पे रुका है, इसमें हार्ड डिस्क का फोल्ड नहीं है। बहुत से टेक्नीशियन लोग जो हार्ड डिस्क करते हैं पर वो हार्ड डिस्क का फोल्ड नहीं है, इसमें EEPROM चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले EEPROM चेक करने के लिए हमको ZSW का भी इस्तेमाल करना होगा, और उसमें रीडिंग बताएगी अगर EEPROM का फोल्ड होगा तो कितनी रीडिंग आएगी और नहीं होगा तो कितनी रीडिंग आएगी। और ये हमको यूज किससे करना पड़ेगा सही है सर? ये मीटर को डायोड मोड पे रखना है। और ये कौन सा मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं? आपका मल्टीमीटर है, उसमें डायोड फंक्शन में जाना है, उसमें रीडिंग चेक करना है कितनी रीडिंग आती है। और हम इसमें यहाँ पर सारे एरर्स बताने वाले हैं, यहाँ पर सारे एरर्स बताने वाले हैं कि 19 पे रुकता है तो क्या बात होगा, अगर DUC में जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग में जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है, नॉर्मल में जा रहे तो क्या प्रॉब्लम है, और 20 तक जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, इतनी भी एरर्स इसके बारे में 11 में जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, और यही चीज हम iTunes में बताने वाले हैं। iTunes में भी यही सारे एरर्स हैं, iTunes में कौन से एरर है, और ये हम iPhone X और X Max तक बताने वाले हैं, A12 तक बताने वाले हैं। जो स्वैपिंग भी हम सिखाएंगे वो A8 से A12 तक सिखाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कुछ खास यहाँ स्टूडेंट को दे सकते हैं जो औरों के जगह हमें शायद ना मिले या जो लैक ऑफ हो रहा हो, क्या खास दे सकते हैं यहाँ पे? हम सबको मेन तो सबको सपोर्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सपोर्ट सबसे बेस्ट तो बेस्ट सपोर्ट है, सपोर्ट है यहाँ तो कहीं मिल नहीं रहा सपोर्ट है तो कहीं मिल नहीं रहा है, और इनसे अच्छा कौन जानेगा क्योंकि एप्पल में 6 सालों से है। मतलब एप्पल में कौन सा फोन से मतलब आपसे बनाने से चालू किया था यहाँ पर? मैंने तो एप्पल का 3G से फोन से चालू किया था बनाने का, 3G के बाद जितने भी फोन आए वो सब बनाए। उस क्या क्या मतलब आते थे फॉल्ट, 4S5 वाईफाई के आते थे, नेटवर्क के आते थे, चार्जिंग स्टोर, टेम्परेचर एरर आती थी 4 में जो कोई नहीं बना पाता था जल्दी। अभी हार्डली आईफोन एक्स में क्या क्या फॉल्ट आ रहे हैं जस्ट जल्दी? आईफोन एट में ज्यादा करके VCC मेन शॉट आते हैं, ड्रॉप के जो बेसबैंड नहीं आते उड़ जाते हैं, वाईफाई नहीं चलता है, ये केस बहुत आ रहे हैं, टच नहीं चलता है वो केस बहुत आ रहे हैं, इसके लेयर में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। जो जो आपने ये एक्सपीरियंस किया, आप डीलर लोगों के फोन बनाते हो, सो आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि डीलर लोग का क्या नॉलेज नहीं है, उसके बिना भी काम कर रहे हैं, वो क्या फॉल्ट कर ले रहे हैं? डीलर लोग बहुत से किसी को प्रॉब्लम नहीं है वो ज्यादा करके पहले तो हिट मार देते हैं, हिट मार के आधा बोर्ड तो ऐसे डैमेज कर देते हैं, और जो गलत स्क्रू लगा देते हैं जहाँ पे स्क्रू नहीं लगने चाहिए वहाँ स्क्रू लगा देते हैं, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आप देख रहे, और वो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं आईफोन पे, ऑलरेडी आईफोन पे ट्रेनिंग लेकर आए हैं कहीं से, उसके बाद भी वो इतना काम नहीं समझ पा रहे हैं, फोल्ड फाइंडिंग किसी को नहीं समझ पा रहा, जो मेन सबसे ज्यादा फोल्ड फाइंडिंग है। सो जैसे कि एक मैं आपको केस बताना चाहता हूँ, एक बहुत भी बड़े जो इंडिया के जाने माने यहाँ पे ट्रेनर है, iPhone 6 Plus एक चार्जिंग का आया था जो नहीं, क्या फॉल्ट था उसमें, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया था उसमें बैटरी 60-70 तक जाके रिटर्न आ जा रहा था। तो उसने सारी ICs चेंज कर दिया, पर उसके GR चेंज नहीं किया, जो GR के आए वो भी आपको बताना है, GR बताएंगे, इवन वोल्टेज बताएंगे किस पर वोल्टेज है, और GR की कौन सी सप्लाई किधर जाती है, ये सब हम आपको बहुत डिटेलिंग करके बताएंगे दोस्तों। और फिंगरप्रिंट हो गया, फिंगरप्रिंट जो आई मैसा होता है उसको किस तरह से JVC का क्या इक्विपमेंट है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीज हम आपको यहाँ पे बहुत प्रॉपरली तरीके से बताएंगे। और बहुत समय दोस्तों, एक चीज खास बात में बताना चाहता हूँ कि यहाँ आईफोन की क्लास में अगर आप 15 दिन में आपको कोई डाउट रहा तो आप क्या कर सकते हैं, वापस रिपीट आ सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीटिंग का जो सीक्वेंस है, हीटिंग कितना रखना है, क्यों सही है सर? हाँ बहुत जरूरी है, अगर हीट तुम ज्यादा रखोगे तो CPU के बोल्ड पड़ जाएंगे, और हर जगह पे छोटी ICU पे हीट कितना है, ग्लू काटने पे हीट कितना रखना है, कौन सा नंबर का नोजल लगाना है, सब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। AC के जरिए 90% लोग तो यही नहीं निकाल पाते, मैं आपको बताऊं 90% लोग ये नहीं निकाल पाते सर, निकालने में डेड कर देते हैं क्योंकि वो हीटिंग अपना टेम्परेचर पता नहीं उनको क्या यूज करना है, SMD वो गलत मशीन यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आपको बहुत बारीक से बारीक हम आपको बताएंगे यहाँ पर।
की सही है सर, हम ये ड्रिल मशीन से करने वाले हैं कि आयरन से करने वाले हैं? ये ड्रिल मशीन से भी होता है और आयरन से भी होता है, पर इसको हम आयरन से कर पाएंगे क्योंकि हर किसी के पास ड्रिल मशीन नहीं होती। और ड्रिल मशीन जो आप लेते हो 1200-2000 की, वो आईफोन में यूज करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, उसके आजू बाजू के और भी ट्रैक लूज हो जाते हैं, इसके वजह से सस्ती वाली ड्रिल नहीं यूज करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सिर्फ ड्रिलिंग का काम ये नहीं है दोस्तों की 1200 रुपए की ड्रिल मशीन लेके बैठ जाए, तो छोटी से छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए और ये वही बता सकता है जो वेल है। तो सही भाई हमने यहाँ तक आ गए हैं और हमने यहाँ तक ड्रिल कर लिया है, मतलब हमने यहाँ पर आयरन का यूज करके बिना ड्रिलिंग मशीन से यहाँ पे काम किया है। तो अब हम यहाँ पे कितने नंबर का ब्लेड यूज करेंगे? यहाँ पे हम 11 नंबर का ब्लेड यूज करेंगे, वो भी नया, मतलब हमें आयरन तक पूरा नहीं करना है, पूरा नहीं करना है, ऊपर का सिर्फ पहली लेयर ढकना है। तो देखा दोस्तों की पहली लेयर जो ड्रिल मशीन से होती है यहाँ पर सैयद सर ने सिर्फ आयरन से किया हुआ है। और ड्रिल मशीन का जो आप लेते हो 2000 की 1500 की या वो 8000 रुपए की, उसके बिना एक आयरन से यूज के बाद ये 11 नंबर की ब्लेड यूज करना है। हम यहाँ पे आपको 11 नंबर की ब्लेड यूज करना, 23 नंबर का ब्लेड क्या यूज करना है सब आपको बताएंगे, सारी चीजें देखिएगा। ये वीडियो बिल्कुल अनकट है, बिल्कुल नहीं काटा है, कोई फास्ट फॉरवर्ड में नहीं चलाया, सो आप यहाँ पे सारी चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसे टेलीकॉम के दोस्तों हमारा बहुत ऑलरेडी स्टूडेंट का काफी फीडबैक है,
काफी अच्छा नाम है हमारा और ऑलरेडी इसको बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे उनको जो बेसिक नॉलेज देंगे वो भी एक नेक्स्ट लेवल होगा। जो फ्रेशर है जिसने स्क्रू तक नहीं खोला अगर वो हमको सीखना चाहे सो डायरेक्ट सीपीयू लेवल उसको तो हम देंगे नहीं, तो सारी चीजें हम उनको बताएंगे। और आपको इसके साथ में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारा जो स्लोगन है कि वी टीच यू एंड यू फिक्स इट, तो ये हमारा स्लोगन है इसे टेलीकॉम का कि हम सिखाएंगे और आप बनाओगे, हम नहीं बनाएंगे आप बनाओगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बॉल समय दिखाई दे रहे हैं। सैयद सर ये कौन सी लेयर है अभी? ये अभी हम रैम पूरी भर चुके हैं और ये अभी सीपीयू की लेयर आई है। कितनी लेयर आती है इसमें? इसमें 6 लेयर आती है। 6 लेयर आती है और सारी लेयरों की जानकारी आपको देंगे, कौन सी लेयर की कलर कौन सा लेयर में आता है, क्योंकि ये भी हमें इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इसके पूरे आपको डायग्राम्स मिलेंगे, इसके पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा हम आपको यहाँ पे डाटा प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको चाइनीज पद्धति से भी ज्यादा एक अच्छी लेवल यहाँ पे हम आपको देंगे, तो चाइनीज पद्धति आपको सिखाएगी उससे भी बेस्ट हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो इंडियन डेटा है, जो इंडिया के जो बजे हुए जो हमारे टेक्नीशियन है वो आपको जो देंगे उससे कहीं बेहतर आपको कुछ और नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि आप देख रहे हैं निकल जाता है। We'll be right back.
जाता है या उस बोलो पर किस तरीके की रीडिंग आती है, ओएल क्या होता है, ये सारी आपको जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे पूरे प्रॉपर नॉलेज के साथ। यहाँ हमारी 10 से 11 घंटे की क्लास चलने वाली है प्रॉपर, जिसमें हम आराम से अपने जैसे कि आपने सुना, अगर आप एक नॉन एक्सपीरियंस है या नॉन टेक्निकल है तो आप ये भी समझिए कि ज्यादा सिम ट्रे से ज्यादा बाहर या ज्यादा अंदर करने से भी ये प्रॉब्लम आती है रनाइट। और ये ड्रॉप डाउन जो केसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा आपको एरर नाइन का फॉल्ट आएगा। सही है सर, आप थोड़ा सा बताइए कहाँ पर एक यहाँ पे जंपर मारना है, एक यहाँ पे मारना है, यूं जंपर आपको बाहर निकालना है, तो ये यहाँ भी दूर आना होगा। हाँ, देखिए। तो ये सर ये क्या है? बताइए इसको। ये यूवी ग्लू है जो अपने को जंपर मारना है, वो कहीं आजू बाजू ग्राउंड ना हो इसके लिए ये लगाना पड़ता है। ओके। नहीं तो यहाँ पे जंपर लगेंगे ये सब ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर हम अब सही सर क्या करने वाले हैं? अभी यहाँ पे हम जंपर मारने वाले हैं। थोड़ा जंपर के बारे में नॉलेज देंगे अब यहाँ पर। हाँ, उसमें जंपर देख के लगाना है, कहीं ग्राउंड वाला जंपर लगा दोगे आप तो ग्राउंड वाला जंपर थोड़ा सा बताइए। थोड़ा इधर आइए ना सर, आईकॉन का 0.1 का आपका माइक्रो जंपर है सर, माइक्रो जंपर है, बताएंगे तो इसका डिटेल लेंगे। ये पूरा ग्राउंड बता रहा है, ये देखिए ये ग्राउंड नहीं बताना चाहिए, नहीं तो अगर ये जंपर आप मारते हो तो आपका प्रॉब्लम सक्सेस नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, ये आपका सिल्वर जंपर वाला इसका थोड़ा सा बताइए। बहुत छोटी छोटी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, आप समझ रहे हैं यहाँ पर, बताइए सर। ये सिल्वर जंपर भी ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने ये जंपर डिफरेंट जंपर लिया है। देखिएगा ये जंपर आपको यहीं आगे पता चलेगा ये कौन सा जंपर हमने लिया है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ओएल आ रहा है, देखिए ओपन है इस तरह से। तो ये जंपर यहाँ पे मारना है, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो जो आईफोन का जंपर आता है, कौन सा जंपर होता है फिर, वो 0.001 का आपका एमएम का माइक्रो जंपर है आईफोन का, और जो सिल्वर जंपर है वो तक यूज नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर ये जो जंपर है यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे 0.00 है, ये तो 1 से भी कम है यहाँ पर, तो ये जंपर आपको यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है आप इंस्टीट्यूट आइए, ज्वाइन कीजिए। थोड़ा सा टेक्नीशियन है, डीलर लोग हैं, वो क्या दिक्कत कर देते हैं, जो ड्रिल कर देते हैं सीपीयू भी ड्रिल कर देते हैं, इसलिए ड्रिलिंग मेरे हिसाब से यूज करनी ही नहीं चाहिए, या करनी चाहिए तो प्रॉपर नॉलेज के साथ, बिल्कुल, और वो भी सही ड्रिलिंग। जैसे आपने बोला कि अगर जो हम नॉर्मल ड्रिल यूज कर रहे हैं सस्ती वाली, उससे आसपास के क्रैक खिल जाते हैं, तो जो ड्रिल आप यूज करते हैं सही है सर, वो कितने रुपए की है? 8000 रुपए की, तो सिर्फ ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं सही है सर, पर्सनल।
और उसके बाद भी हमने यहाँ पे आपको बिना ड्रिलिंग मशीन के सिर्फ आयरन के साथ आपको यहाँ पे स्क्रीन किया है। देखिए यहाँ पर एक प्रोब के पास हमारे यहाँ पे जंपर लगेंगे जो यहाँ पर 2.2 के हाई वैल्यू के रजिस्टर है जो हमारे I2C लाइन के साथ है। सही कहा सर? So, बिल्कुल स्प्लेनिंग आपको एक सही तरीके से होगी। आप आइए और सारी लाइनों का जो इंटरनली लाइन होती है स्कीमेटिक कैसे पढ़ाते हैं मैं पढ़ाऊंगा और आप देखिएगा अगर आप यहां से जाने के आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो ये मेरा नाम बदल देना, ये मेरा इतिहास रहा है दोस्तों। बहुत पॉजिटिव काम करना है, बहुत सपोर्टिव काम करना है, हम किसी भी किसी के खिलाफ नहीं है, सब लोगों के साथ हम एक कम्युनिटी में काम करना चाहते हैं। और एशिया टेलीकॉम बहुत पहले से ही आईफोन के ट्रेनिंग के बिजनेस में आना चाहता था और अब क्योंकि आ चुका है क्योंकि बहुत से लोग अब आईफोन सीखना चाहते हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट इतने हो गए हैं जो अब एंड्रॉइड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सर आप आईफोन पे काम करें। सो देखिए अब यहाँ पर सर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमने जंपर मार दिया, अब हम फिर से सॉफ्टवेयर करेंगे इसका, जो हमारा एरर 20 पे रुक रहा था वो नहीं रुकेगा और एरर 20 के बाद अब हमारा आगे बढ़ना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर हमारा ये चालू हो गया है। सारी जैसे कि मैंने बताया जानकारी हमें आपको देंगे एरर 11 पर क्या यहाँ पे स्टेटस बताना चाहिए, क्या आना चाहिए इसके बाद में एरर 11, अगर नहीं आता है 11 के बाद में कौन से एरर आ सकते हैं। सो सारी चीज हमें आपको बताएंगे कि कब आपका रैम सही है, कब आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, कब आपके सीपीयू में प्रॉब्लम है, कब आपका यहाँ पर एरर 9 आएगा या कौन सा एरर यहाँ पे आपका आएगा। तो 3U टूल की आपको पूरी जानकारी यहाँ पे हम आपको देंगे प्रैक्टिकली। आप अपने एरर वाले मोबाइल भी लेके आ सकते हैं, वो आप ही से बनवाएंगे, पहले आपको सिखाएंगे और वो आप ही से बनवाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 20% फाइल सिस्टम। कि देख रहे हैं 22% हो गया, तो दूसरी यहाँ पे हम थोड़ा यहाँ पे पॉज कर रहे हैं और जैसे ही यहाँ पे 99 आता है 90 आता है तब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे अपना मोबाइल फोन। ये चीज वीडियो में तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पूरा फ्लैश हो गया है, ये वीडियो में हम ले नहीं पाए पर हम आपको दिखा देते हैं। चलिए तो ये पूरा यहाँ पर वीडियो कट गया है क्योंकि यहाँ पे हम पूरा फ्लैश दिखाना चाहते थे पर वो एकदम से सारी चीज फ्लैश में आ गई है। सो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ हम अपने पर्सनल स्टूडेंट से ही करवाएंगे और एक वीडियो हम एरर 9 स्टूडेंट से देंगे पहले ही बैच में, आप देखिएगा, जो पूरे किसी इंस्टीट्यूट नहीं दे पाते, लोग अपने इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बता पाते क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट को जो सिखा रहे हैं वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वो आने और जाने की बात हो जाती है बस। हाँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे सीपीयू A8 के ऊपर ये जो जंपर आपको दिख रहा होगा देखिए सिर भाई आप सही है सर, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? यहाँ पे हो रही है IMEI नंबर, सीरियल नंबर,
और एक्टिवेट है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। एक्टिवेट से क्या पता चलता है? सही है सर, फोन पूरा ऑन हो रहा है या इसमें और भी कोई दिक्कत है? और जो एक्टिवेशन एक एरर आती है फोन में, बहुत ही एरर आती है, और उनके भी क्या सोल्यूशन है वो हम बताएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि आप देख लीजिएगा, अभी हमने एक्टिवेट पे किया था, तो सही है सर यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे एक्टिवेट आ जाना चाहिए, एक्टिवेट आईक्लाउड आईडी आनी चाहिए, आईक्लाउड आईडी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें एक्टिवेशन का एरर आएगा, फोन चालू तो होगा पर एक्टिवेट नहीं होगा। तो इसको एक बार ऑन करते हैं हम यहाँ पर। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा आपको कैसा लगा इनका एक अनुभव, और आप बताइएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा। हम इसके अभी और भी वीडियो डालेंगे, जिसमें हम एक सीपीयू का एक वीडियो डालने वाले हैं हमारे सैयद सर का, और भी हम यहाँ पे आपको चीजें आपको देने वाले हैं। पर हम यहाँ पर जो देंगे वो स्टूडेंट को देंगे दोस्तों, खास तौर पे यहाँ पर हम आपको जो प्रोवाइड कराने वाले क्वालिटी वर्क और एक टाइम के साथ। और हम ये भी कहते हैं आपको कि अगर आप यहाँ पर 15 दिन के मैंने सीखे तो आप नेक्स्ट 15 दिन फिर से आइए वापस, उसके नेक्स्ट 15 दिन फिर से आइए यहाँ पे वापस। सो यहाँ पे 15 दिन का आप वापस आइए, दोबारा आइए, आपको कोई फीस नहीं लगेगी यहाँ पर। यही हमारे सारे स्टूडेंट ईएमसी में भी हम जिसको लगता है कि जाने के बाद पहले काम करना चाहिए, 2-3 महीने काम करने के बाद में जहां भी वो अटकेंगे तो वापस यहाँ पर आकर वो कोर्स कर सकते हैं, लेकिन हमसे पहले कांटेक्ट करना होगा उसके। बिल्कुल। यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस हम आपको दे रहे हैं टीचर का, ये दोस्तों ये 1-2 साल के सीखे हुए नहीं है, ये कोई चाइनीज से सीख कर नहीं आया, 2-3 साल से और यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 3S जो iPhone 3S जब iPhone की शुरुआत हुई थी तब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 15 साल से इनका एक्सपीरियंस है। जब आप नोकिया के फोन आते थे तो उसमें से रैम निकाल के ये उस पर काम करते थे, और तब भी डीलर का काम करते थे, और आज भी डीलर का काम करते हैं। और आपको एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जो दुकानों में फॉल्ट आ रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ ऐसे टेलीकॉम में जो हमारे आसपास की जो दुकान है वहां से हमें बहुत से फोन बदलने को आते हैं, और जहाँ जो आपको हमारे सैयद सर बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, और इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या नया नया एरर अभी मार्केट में चल रहे हैं। सो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा वीडियो मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूं क्योंकि हम मैं नहीं चाहता कि कोई कमेंट इस तरह का आएगा भी। दोस्तों समझते हैं नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के लोग होते हैं, और हम किसी को हाथ रोक नहीं सकते, बट पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं कि फोन पूरा कंप्लीटली ऑन होने, होम स्क्रीन हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, आप पूरा देखिएगा। दोस्तों ये हम स्क्रीन आपको यहाँ पे लाके आपको दिखा रहे हैं आईक्लाउड तक, क्योंकि हो सकता है ये हमारा आईक्लाउड बोर्ड है, और ये हमारा जो आईक्लाउड बोर्ड है तो ये जो हमारा बोर्ड है, सो ये बोर्ड हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, लाइव बोर्ड लगे ना, लाइव बोर्ड हम आपको देने वाले हैं स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को लाइव बोर्ड हम एशिया टेलीकॉम की तरफ से आपको देंगे। पहले हम आपको पूरा ट्रेन करेंगे, उसके बाद लाइव बोर्ड देंगे, 5 out of 3 स्वैपिंग हम यहाँ पर गारंटी करते हैं, 10 मोबाइल आप अपने ला सकते हो, 2 कोर्स हमने रखे हुए हैं, कोर्स 1 जो सीपीयू लेवल का कोर्स है, जो मजे हुए टेक्नीशियन है बस सीपीयू पे काम नहीं कर पा रहे हैं, कोर्स 2 जो वो कोर्स है जिसमें जिनको कुछ नहीं आता, जो फ्रेशर है या जो आता है, जो नॉर्मली पावर आईसी या यू2 आईसी भी नहीं निकाल पा रहे या निकाल पा रहे हैं पर उनको स्कीमेटिक नहीं आ पा रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आ पा रही है, लीकेज नहीं निकालना आ पा रहा है, आईफोन एस की लेयर निकालना नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजें वापस सिखाएंगे। और अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा कॉम्बो पैकेज की कोर्स 1 कोर्स 2 ये दोनों पर इसमें हमने बहुत अच्छा एक आपके लिए रखा है कि पहले 15 दिन हम आपको कोर्स 1 सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट 1 महीने का एक्सपीरियंस लेंगे, फिर 15 दिन हम आपको कोर्स 2 सिखाएंगे, मतलब 1-15 दिन के अंदर दोनों आगे सीख ही नहीं सकता। मतलब अगर हम बेसिक सिखाएं वो पढ़ा है और सीपी भी सिखाई, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल होगा तो फिर आप वही डीलर की कैटेगरी में आएंगे जो हर काम अपना फिर दूसरों को देंगे। अभी हम दोस्तों एक नया वीडियो एक देने वाले हैं जिसमें फिरोज सर, हम और एक मिलन सर, जिसमें हम आपको जो छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चंस है वो हम आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं क्या एक्चुअल फीस है, क्या टाइमिंग है, सारी चीजें मैं आपको बताएंगे, वीडियो जरूर देखेगा। फिरोज सर अपने चैनल का नाम बताइए। स्मार्ट टेलीकॉम 1 और फिरोज टेक्निकल 2 चैनल देखिए, यूट्यूब में सर्च करना है स्मार्ट टेलीकॉम 1 और फिरोज टेक्निकल, और एक हमारा दुर्गेश सर का चैनल है स्मार्ट टेलीकॉम। फेसबुक में फिरोज सर बताइए किस तरह से हम अपडेट देते हैं। शेख फिरोज मेरा नाम है, आप सर्च करें तो मिल जाएंगे, वहां पे आपको डेली पोस्ट मिलेंगे जिसमें बहुत सारे सोल्यूशन भी होते हैं, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। वो
क्या पोस्ट होते हैं, कैसे पोस्ट होते सारे है? जितने भी पोस्ट हम डालते हैं वो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हमारे सीख के जाते हैं आफ्टर कोर्स वर्क जो कर रहे हैं वो जाके उनका वो पोस्ट हम शेयर करते हैं यहाँ पर। और वही चीज सपोर्ट सिस्टम कहलाता है कि हमारे से आ जाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हेलो की स्क्रीन आ गई है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे चैनल से। और मैं एक बार और जरूर कहना चाहूंगा कि वी टीच यू, यू फिक्स इट, वी टीच यू, यू फिक्स इट। An ISO 9001 and 2008 certified institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.